और ये सच है, जिस बंदे ने अपने बेस्टी के साथ कभी बिजनेस प्लान नहीं करा उसने कुछ नहीं करा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सब? और मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। और आज का जो व्लॉग है वो होने वाला है कॉलेज की यादें। हमारी कॉलेज की बहुत सारी यादें हैं। जो मेरा बेस्ट फ्रेंड आशीष है, मैंने उसके साथ बहुत मस्ती करी है, तो मैं सरप्राइज विजिट कर रहा हूँ उसके घर पे। और वैसे भी हमें बहुत महीने हो गए मिले, क्योंकि मैं अपने काम में बिजी, वो अपना डिजाइनिंग में बिजी, वो डिजाइनिंग इंजीनियर है तो वो अपने में बिजी, मैं अपने में बिजी। तो बहुत सारी बातें हैं जो आपके सामने शेयर करें, आपको पता चले। तो देखते हैं, बहुत सारी मेमोरीज है। अभी बताता हूँ आपको मैं कहाँ घूमता था, कौन सा एरियाज होते थे, क्या होता था, पिक्चर्स, फोटोज, मेमोरीज, बहुत सारी चीजें आपको पता चलेगा मेरे बारे में, कुछ ज्यादा जानने को मिलेगा इस व्लॉग में। और इसके सिवा इस व्लॉग में एक इंटीग्रेशन है आपको देखने को मिलेगा, बहुत यूजफुल इंटीग्रेशन है, आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है वो ऐप। तो उस इंटीग्रेशन को पूरा देखना अभी स्टार्ट होने वाला है। Hey guys, so today I'm going to tell you about a new application, Cambly. Cambly is a app, teaching app, English teaching app. Basically, इस app का unique feature क्या है, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। First of all, ये एक application है जो 24/7 रहती है, first feature. Second, native speakers के साथ connect करती है. Third, one-on-one होता है, आपको कोई भी group join नहीं करना पड़ता. Fourth, paid है, but बहुत अच्छा पैसे का यूज। आप कभी भी जाते हो तो आपकी ग्रामर अच्छी हो जाती है, पर स्पोकन इंग्लिश अच्छी नहीं हो पाती। क्यों? बिकॉज वो जो टीचर्स होते हैं वो कोई ना कोई स्टेट के होते हैं इंडिया के, तो उनका एक हल्का सा टच आता है लैंग्वेज में। एग्जैक्टली आप वो नहीं सीख पाते जो एक नेटिव स्पीकर बोल सकता है। इसमें होता क्या, आप जब भी इसमें आएगा मिनट्स ऐड करना पेड, देन उसके बाद यू कैन चेकआउट ट्यूटर लिस्ट, वहां पे पूरी होगी, आपको इस साइड पूरा दिख रहा होगा, तो इससे साथ साथ देखते रहो। और एग्जैक्टली ऐसा कुछ होगा एंड मैं आपको दिखा दूं मेरा एक छोटा सा लेसन। सो हे गाइस, कैसे लगी आपको एप्लीकेशन? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से जाओ डाउनलोड कर लो। और आई रिक्वेस्ट यू गाइस, प्लीज 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 वाटर को स्टोर करें, वेस्ट ना करें, बिकॉज पानी की बहुत कमी हो रही है आजकल। आपने मोदी जी का रिसेंटली मन की बात में सुना होगा। सो आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड पंचम रेस्टोरेंट, जो स्वीट्स है, जहां से मैं रसमलाई खाते थे, बहुत टेस्टी लगती थी, तो मैं उसके लिए लेके जा रहा हूँ, खुश हो जाएगा वो। उसके घर के बाहर आ चुका हूँ और अब कार पार्क के लिए सरप्राइज खत्म हो गया मेरा। मुझे कार पार्क के लिए उसे बोलना ही पड़ा, बुलाना ही पड़ा नीचे। भाऊजी पार्किंग का लगाएं? भाई सब कहीं पे लगा लो, कहीं पे लगा लें। सुन ऐसा कर, यहाँ पे लगा दे। देखो भाई मैं आपको बताता हूँ, देखो एक यूट्यूबर बन के रहने में और एक डिजाइनर, इंजीनियर डिजाइनर बन के रहने में कितना फायदा है दिखाता हूँ आपको। ये इंजीनियर है और इसकी गाड़ियां देखो, बलेनो सिटी, बलेनो सिटी, दो दो कार है और हम यूट्यूबर एक i20 लेके घूम रहा हूँ सफाई के लिए रखी है। ये देखो तीसरी कार इसकी, तो अच्छा खासा पैसा है भाई इंजीनियरिंग में, ऐसे ब्लेम मत करो, ठीक है? कितना पैसा कमाया देखो, और मैं क्या कर रहा हूँ। अब चलते हैं अपने यादों से भरे हुए कमरे की तरफ। अरे सब कुछ चेंज कर लिया तूने वापस? हाँ, इसका गेमिंग लैपटॉप जिसमें मिलिंद भाई का गाना सुन रहा है। हाय मिलिंद भाई। और इसकी कार्स का कलेक्शन छोटी छोटी, इनमें से एक मैं चुराने वाला हूँ। कौन सी कौन सी कौन सी कौन सी? ये वाली। सो ये वो रूम है जिसमें हम पढ़ते थे, पढ़ते तो क्या ही करते थे, मस्ती करते थे इंजीनियरिंग के टाइम पे। और आशीष भाई गिटारिस्ट हैं, लीड गिटारिस्ट थे अपने टाइम पे, अपने टाइम पे नहीं, अब तो इसने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है। इसका एकॉस्टिक गिटार और उसके पीछे इलेक्ट्रिक है जो इसने बंद करके रखा हुआ। यूज कितना टाइम हो गया भाई यूज करे? टाइम नहीं मिलता, महीने हो गए। पैसा छाप रहे हो, कहाँ टाइम लेगा। तो आपको ना एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। तब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो हम इस रूम में बैठ के पढ़ते थे, और हम एग्जाम टाइम में आशीष दो दो तीन तीन महीने एक साथ रहते थे, साथ पे रहते थे जब एग्जाम शुरू होते थे ना, हम दो दो तीन तीन महीने तक साथ रहते थे। लाइक अभी मैं इसके घर हूँ, फिर मेरे घर पे, तो यहाँ पे बहुत मस्ती करते थे। और इस टाइम क्या करते थे हम रात को ना, मतलब मैं मैगी बनाता था, ये कोल्ड कॉफी बनाता था, और कोल्ड कॉफी बहुत अच्छी बनाता था। तो सोचो फनी चीज, सोचो हम, हमारा एग्जाम है अगले दिन, और हम प्लान क्या कर रहे हैं यार, हम ना खाने का बिजनेस खोल लेंगे। कितने पैसे लगते होंगे,
क्या होता होगा, तू कॉफी बहुत अच्छी बनाता है। 3 बज रहे हैं, कुछ आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, और कल पेपर है, सिलेबस का कुछ पता नहीं है। वहाँ पे तू ने कह रहा है यार तू कॉफी बना लियो, मैं मैगी बनाऊंगा। और हम पता है क्या सोचते थे, छोटा सा स्टोर लगाएंगे फिर उसके बाद बड़ी दुकान होगी। यार फर्नीचर कितने का आ जाता होगा, मतलब इतनी बेतुके। और ये सच है, जिस बंदे ने अपने बेस्टी के साथ कभी बिजनेस प्लान नहीं करा उसने कुछ नहीं करा। हमने बहुत प्लान्स करे, फिर बहुत बिजनेस प्लान किए, मॉडिफिकेशन करेंगे, हमारा ऑटोमोबाइल में भी बहुत अच्छा मतलब इंटरेस्ट था, तो हमने बहुत मजे भी लिए हैं। प्रोजेक्ट ऐसे ऐसे बनाए जिनका हमें नहीं पता होता था, और हम प्रेजेंटेशन ऐसी देते थे कि भाई साहब सब सीख क्या है, और बहुत पागलबंदी करे। इस रूम से तो अलग ही याद है हमारी, ऐसे मिलता नहीं मुझसे, हम बहुत टाइम बाद मिल पाते हैं। मैंने बताया आपको 3-2 दिन ये अपने में बिजी हो जाता है, मैं अपने में बिजी हो जाता हूँ, और तीसरा तो हमारा पता नहीं कितना पैसे छापेगा अमल, वो तो ओवर टाइम कर रहा है, वो तो कट्टे भर रहा है पैसों के। देखो इसकी 3 गाड़ियां, उसकी 6-7 तो हो गई होंगी, सोचो ओवर टाइम भी कर रहा है वो। तो बिजनेस मैन तो ब्लॉग वाला है। अरे काय का ब्लॉग वाला बिजनेस मैन भाई साहब, काय का सही बता रहा हूँ, पता नहीं है तुम लोगों को। हाँ अच्छा, खासा खूब खूब क्या खूब राखी सावंत से खूब मिला है और कुछ कैसा? अरे राखी सावंत से मिलना, अरे आपने ब्लॉग देखा होगा मेरा राखी सावंत वाला, कैसा लगा आपको? कैसा लगा? नीचे कमेंट बहुत आ रहे हैं, बजाओ ना तुम्हें मैं बताता हूँ भाई, रुक जाओ बजाओ ना। नीचे सब कमेंट क्या कर रहे हैं, बोल रहे तो बजा देना भाई। अरे भाई सुन ना, वो कुछ और बजाने की बात कर रही है, तुम कुछ और बजाने की बात कर रहे हो। अग्रवाल कैसी लगी रसमलाई? और अभी हम जा रहे हैं जहाँ जहाँ हम चीजें खाते थे, वैसे हम रोहिणी घूमते थे मैक्सिमम, क्योंकि हमें यहाँ फोटो स्टेट, और हमने हरकतें भी बहुत करी हैं। इन्हें फोटो स्टेट वाली बात बताइयो भाई, हम क्या करते थे, हम सबने कर रहे हैं, झोल हमने भी कर रहे हैं, हम बुक्स के पैसे लेते थे, और इंजीनियरिंग की बुक्स आती थी 1800-2000 रुपए की एक बुक, कभी कभी 2400, और हम क्या करते थे, बुक्स के पैसे लेते थे और हम फोटो स्टेट करवाते थे, और सारे बच्चे पैसे भी जेब में डाल लेते थे, और आइडिया होता था इसका। वो अच्छे काम कहाँ होते थे, वो अच्छे काम होते थे चाप, चिली पोटैटो, चिली पनीर, और एक टाइम पे हम भाई डेली चिली पोटैटो खाते थे डेली, मतलब एक स्लेक चेक नाम से जगह थी वहां जाते थे, मतलब बहुत सारी जगह, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा बट बता रहा हूँ, ऐसी हम ऐसी ऐसी जगह जाते थे। अभी जिस एरिया में है वो है रोहिणी, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं हम कहाँ कहाँ जाते थे फोटो स्टेट के बहाने, जहाँ खाते थे, हम कहीं घूमते थे नोट्स के बहाने, यहाँ तो नहीं है वैसे घूमने की जगह, और यहाँ चाप खाने आते थे हम, पंजाबी चाप कॉर्नर, यहाँ से हम चाप खाते थे, अभी भी खाएंगे, थोड़ी देर में वापस घूम के आएंगे फिर खाएंगे। और इसके सिवा ये जूस कॉर्नर था लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ से जूस पीते थे, जूस पिवानी बॉडी बनानी का, जूस पिवानी बॉडी बनानी एकदम सही। तो अभी हमने देखा अपनी रसोई, और आशीष का कहना है अपनी रसोई पे, कह रहा हूँ खाने जाके खाना खाओ, वो कहेगा बिल अपनी रसोई है। अरे आते जाते दे आते जाते दे तो रसोई है साले, अपनी रसोई वाला इतना अपनापन में मारेगा ना, इतना मारेगा अपने ही लोग है, अपने ही लोग है, फूटो थोड़ा सा फूटो, अपने ही लोग है, बर्तन भी मान दो। अरे यार क्या ही समा है, मौसम बहुत बेहतरीन है, गर्मी है 1 नंबर की, 40 डिग्री सेल्सियस, और कबूतरों के लिए प्लीज एक काम करना, कबूतरों के लिए पानी भर के कहीं रख देना जिससे वो पी सके, गर्मी के मारे मरे ना। मैंने भी एक कबूतर के लिए रखा है गाइस, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि मैं फूड ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ, बट मैं नहीं कर पाया, वो इस लड़के की वजह से, ये अपने ऑफिस में इतना बिजी है ना, इसको एक दिन नहीं है कि हम फूड ब्लॉगिंग कर सके। यार मैंने मना कब किया? तूने हाँ भी तो नहीं किया। हाँ नहीं मैं तो तैयार हूँ यार, ये इसको फिर कई बार, चलो संडे ट्राई करते हैं, कभी ना कभी हम बीच में एक डालेंगे फूड ब्लॉग, और यहाँ का सीरियसली बहुत टेस्टी है, आना खाना और मुझे थैंक्स बोलना। खाता है ना तू गाड़ी का एग्जैक्ट यूज देखो, कॉलेज के मित्र
बाय बाय मेरे मित्र, मिलते हैं जल्दी मित्र। राम लखन ट्विंग, राम लखन की जोड़ी। आंटी फोकस हो गई दोबारा। चलो भाई मिलते हैं, बाय 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 बाय। भाई गेट आराम से बंद करियो, तेरी हाँ तेरी कॉलेज आदत है। बेटा खत्म है तू, खत्म, जान से मार दूंगा, खून कर दूंगा तेरा एक दिन। Guys, in the end, I want to tell you something. What a coincidence. What a coincidence. आपको मैं एक बात बताऊं, ये ब्लॉग आज डाल एग्जैक्टली एक साल हो गया ऑन YouTube ब्लॉग चैनल। वैसे तो मैं बहुत टाइम से हूँ, बट ब्लॉग चैनल को हमारे एक साल हो गया। और जिसके साथ मैंने स्टार्ट किया था, जिसने मेरे को फर्स्ट वीडियो में मेरे साथ था, आशीष, और ये वाला ब्लॉग भी उसी के साथ है। तो गाइज ये कॉन्सिडेंस है कि लाइक एक साल तक हम वहीं हैं जहाँ हम थे। और थैंक यू दोस्त, मेरे दोस्त आशीष, थैंक यू सो मच यार, बहुत सपोर्ट किया यार तूने यार। और देख ले कोइंसिडेंस, देख एक साल बाद एग्जैक्टली तेरे साथ ब्लॉग डाल रहा हूँ एक साल बाद। थैंक यू यार, और बहुतों ने सपोर्ट करा है मुझे, बट इसको आप देख नहीं पाओगे, ये पीछे रहता है कैमरे के, दिखता ही नहीं है, ये बिजी है अपनी लाइफ में, बट इसने बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच।